अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं हज़रत सखी ज़ैनुल आबिदीन के मज़ार पर। ये मुल्तान से आगे शाह कोट जो अब कोट सरवर के नाम से मशहूर है वहाँ वाक़िया है। ये एक कस्बा है, गांव इसको आप कह सकते हैं। तो ये हम इस वक्त सेन में मौजूद हैं, अंदरूनी मनाजर भी आपको दिखाएंगे। उससे पहले आप अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। तो ये देखिए, ये साथ में पुरानी कुछ इमारतें भी मौजूद हैं और ये सामने मज़ार है। हम कुछ ही देर में आपको मज़ार के अंदर ले चलेंगे। ये दरवाज़ा है, तो इस वक्त हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। अंदरूनी मनाजर आपको दिखाते हैं। ये सामने कब्र है बुज़ुर्ग ज़ैनुल आबिदीन की, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर छत के मनाजर, ये एक कस्बा है, गांव है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, छोटा सा गांव है। वहाँ पर ये मज़ार वाक़िया है मुल्तान के इलाके में सरवर कोट, जिसका पुराना नाम शाह कोट था। तो वहाँ पर इस बुज़ुर्ग का मज़ार वाक़िया, ये सामने शजरा नसब आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जो दोस्त पढ़ना चाहे इसको पढ़ सकता है, मैंने पढ़ा है। लिखने वाला लिखता है कि इनका शजरा नसब जो है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है, और बाकी भी काफ़ी डिटेल लिखी हुई है इन बुज़ुर्ग के बारे में। और लिखा हुआ है कि जो इनके कदमों वाली तरफ दरवाज़ा है वो बहिश्ती दरवाज़ा है। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, लेकिन पाकिस्तान में हज़ारों आपको बहिश्ती दरवाज़े मिल जाएंगे, लाखों बल्कि लाखों दरवाज़े जो हैं बहिश्ती मिल जाएंगे। जी तो नाज़रीन, ज़ैनुल आबिदीन के मज़ार के सामने एक और मज़ार वाक़ है, जो कहा जाता है कि उनके बड़े बेटे का मज़ार है। उसके अंदर हम दाखिल हो चुके हैं, आपको अंदरूनी मनाजर दिखा रहे हैं। ये उनके बड़े बेटे का मज़ार है। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।